नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है राजू वेब स्किल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा ग्राफ्स बनाना, यानी कि एक तरह से चार्ट बनाना, पाई चार्ट बनाना, बार ग्राफ्स बनाना, एक कॉलम चार्ट बनाना, लाइन चार्ट बनाना, कैसे हम लोग बनाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टेप बाई स्टेप जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चार्ट बनाने के लिए एक यहाँ पर डेटा मैंने तैयार किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मंथ नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट यूजर है, इंटरनेट यूजर में बहुत सारे यहाँ पे नंबर दिए हैं, ठीक है। अब इसमें हमको चार्ट बनाना है, तो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इंसर्ट में जाना है। और इंसर्ट में जाने के बाद जैसे आप कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं तो कॉलम बना सकते हैं, लाइन चार्ट बनाना चाहते हैं तो लाइन चार्ट बना सकते हैं। इस चार्ट में आपको बहुत सारे चार्ट अलग अलग आपको दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट आप लोग चार्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग कॉलम चार्ट बनाते हैं। तो कॉलम चार्ट बनाने के लिए आपको कॉलम पे क्लिक करना है और इसमें 2D कॉलम, 3D कॉलम, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, इस टाइप के चार्ट आप लोग बना सकते हैं। फर्स्टली मैं बताऊँ आपको चार्ट बनाने के लिए, ये आपके डेटा के अकॉर्डिंग आप लोग चार्ट बनाया जाता है तो बहुत ही बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मंथ नेम दिया हुआ है और इंटरनेट यूजर्स दिया है, तो आप लोग 2D कॉलम को ले सकते हैं, और भी ज़्यादा डेटा है तो 3D कॉलम को ले सकते हैं। यानी कि अपने डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग चार्ट बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे 2D कॉलम दिख रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये देखिए यहाँ पे चार्ट आपका बन गया। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इंटरनेट यूजर्स लिख रहा है। अब यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे चार्ट तैयार हो गया। इंटरनेट यूजर्स हैं तो इंटरनेट यूजर्स के नाम से यहाँ पे बन गया। और यहाँ पे जो भी मंथ नेम है, मंथ नेम के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे एक रेंज दिया हुआ है, 0 से लेकर 10,000, 20,000, 30,000। यानी कि जो आप जैसे कि यहाँ पे फरवरी में देखिए, फरवरी में 31,220 इंटरनेट यूजर्स हैं इस मंथ में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30,000 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है ना। यहाँ पे वैल्यू इसका दिखा रहा नहीं, यहाँ पे जाइए इंटरनेट यूजर्स पॉइंट फरवरी वैल्यू 31,220। इतना यूजर्स सिर्फ फरवरी में है। तो ये आपका, ये हो गया आपका कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट में बहुत सारे थोड़ा इसका डिजाइन अलग अलग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे कॉलम चार्ट में बहुत सारे चार्ट का स्टाइल दे दिया है। अब इससे भी ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एरो का सिंबल है यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे बहुत सारी आपको चार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब इसमें जिस भी कलर या फिर जिस भी डिज़ाइन में करना चाहते हैं सिंपल आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ पे जाइए, तो यहाँ पे स्टाइल 24 दे रहा है, स्टाइल ये 16 है, तो स्टाइल 24 पे क्लिक किए तो ये देखिए ऑटोमेटिक डेटा उसके अकॉर्डिंग, स्टाइल 24 के अकॉर्डिंग हमारा ये चेंज हो गया। अब जैसे यहाँ पे दिया है स्टाइल नंबर 19, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस कलर का हो गया। मैं यहाँ पे स्टाइल नंबर 17 है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए ताकि और बेटर समझ में आए, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आप लोग कॉलम चार्ट बना सकते हैं। अब बात आती है कि बार चार्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे स्विच रो ऑब्लिक कॉलम लिखा है, तो इस चीज़ को अगर आपको स्विच करना है, इसको कॉलम को रो में करना है, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर ये आपका चार्ट चेंज हो गया, लेकिन ये ज़्यादा तौर पे ये चार्ट यूज नहीं होता है। तो इसको आप स्विच रो कॉलम पे जो क्लिक किया फिर से एक बार क्लिक कीजिए, जो पहले जैसा फॉर्मेट था वैसा बन जाएगा। ये फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर जैसे कि इसी चार्ट को आप लोग बार चार्ट में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर चेंज चार्ट स्टाइल का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें जो भी आप चार्ट बनाना चाहते हैं, जिस टाइप का चार्ट बनाना चाहते हैं, टोटल टेम्पलेट यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कॉलम चार्ट है तो कॉलम चार्ट में इतने सारे हैं, लाइन चार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे चार्ट आ जाएंगे। अब लाइन चार्ट में जैसे यहाँ पर लाइन दिया है तो यहाँ पर आप कोई भी क्लिक कीजिए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये देखिए फॉर्मेट ही चेंज हो गया, देख रहे हैं ना यहाँ पर इसका लाइन चार्ट का फॉर्मेट। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट आ गए, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए इस कलर का हो जाएगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस कलर का हो जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं और दूसरा यूज करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे एरो का क्लिक की एरो जो बटन जो है उस पर क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस टाइप से मेरा चार्ट इस डेटा के अकॉर्डिंग बन जाएगा। अब यहाँ पर लाइन चार्ट किसके अकॉर्डिंग चार्ट स्टाइल में गए,
लाइन चार्ट के बाद आप चाहते हैं पाई चार्ट में इसको बनाना, तो पाई चार्ट पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे देखिए पाई चार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये देखिए पाई चार्ट के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे डेटा तैयार हो गया। अब देखिए इसमें बहुत सारे यहाँ पे चार्ट का स्टाइल आ गया है, जैसे कि जो पाई चार्ट है इसमें बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग स्टाइल हमको यहाँ पे आ गया। स्टाइल नंबर 27 में क्लिक करूँगा तो इस टाइप से हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा स्टाइल नंबर 32 पे, तो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आप लोग अलग अलग चार्ट बना सकते हैं। देखिए मैंने बार चार्ट बोला था, तो यहाँ पे चेंज चार्ट है स्टाइल पे जाइए, और यहाँ पे बहुत सारा है। अब इसके बाद जस्ट बार ही चार्ट हम लोग समझ लेते हैं। बार चार्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए बार चार्ट का बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद बार चार्ट में जो भी आप टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा रेडी हो जाएगा। डेटा तो पहले से रेडी है, सिर्फ आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे इस टेम्पलेट में इस स्टैक बार पे मैं क्लिक करूँगा, ये ओके करूँगा, तो ये देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा तैयार हो गया। थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्या कर लीजिए ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा यहाँ पे तैयार हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे अलग अलग चार्ट स्टाइल दिया है, जो चार्ट स्टाइल आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा रेडी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे, ये भी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग आप लोग चार्ट का, जो भी चार्ट बना रहे हैं वो उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिर से आप चेंज चार्ट स्टाइल पे जाइए, यहाँ पे एरिया दिया है, स्टॉक दिया है, सरफेस दिया है, जैसे कि आप एरिया टाइप का करना चाहते हैं चार्ट, तो एरिया में जाइए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, एरिया टाइप का हमारा डेटा इसका चार्ट बन गया। अब इसमें एरिया चार्ट का बहुत सारे स्टाइल दिया है, जो स्टाइल जो मन उस पर क्लिक कीजिए उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे चार्ट बन जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए, इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। अब इसके बाद चेंज चार्ट स्टाइल के बाद यहाँ पे एक्स वाई स्केटर दिया है, स्टॉक दिया है, सरफेस दिया है, डॉफ नट दिया है, बबल दिया है। और इसे बबल टाइप का आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो बबल पे क्लिक कीजिए और बबल का यहाँ पे टेम्पलेट आ जाएगा। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो देखिए बबल के अकॉर्डिंग हमारा चार्ट तैयार हो गया। तो इस तरह से, और यहाँ पे चार्ट का स्टाइल आ गया, इस पर क्लिक कीजिए, बहुत सारे आपको दिखेगा, सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, ईस्ट के अकॉर्डिंग हमारा डेटा तैयार हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको चेंज चार्ट स्टाइल में जाइएगा, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग डेटा को तैयार कर सकते हैं। जो भी आप इवेंट डेटा दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग चार्ट तैयार कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पे इशू आ रहा है। मैं ज़रूर उस चीज़ को फिर से मैं आपको बताने का 100% प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।